अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हमें सबसे पहले पेपर चाहिए, कोई भी जो डिस्पोजेबल हो, रजिस्टर वो यूज़ कर सकते हैं। पेपर को हमने फुल नहीं यूज़ करना, A4 पेपर जो है उसको हमने फोल्ड करके यूज़ करना है। एक पेपर की हमारी 2 बनेगी। आप हाथ से भी काट सकते हैं, कैंची से भी, जिस तरह आप इजीली कट कर सकें। देन इनको फोल्ड करना है। ग्लू में मैंने वाटर थोड़ा सा मिक्स किया है और पेस्ट बना लिया इसका। इनको फोल्डिंग की तकनीक यही है कि इन्हें इस तरह करना है कि इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, मतलब लेंथ वाली साइड पे ज़्यादा फोल्ड करना है और जो विड्थ है उसकी तरफ थोड़ा। इस तरह आपकी जो स्ट्रिप है वो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगी। इस तरह वन बाय वन आप इनको स्ट्रिप बनाते जाएं, या आपको स्टैंड बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रिप चाहिए होंगे, अराउंड 230 या 40। जो स्टार्ट में होता है वहीं से ख्याल करना पड़ता है, तो जो उसकी मोटाई है वो उसी के हिसाब से बनती है। टाइम लगा के मैंने काफ़ी सारी बना ही ली हैं, क्योंकि मुझे और भी काम के लिए चाहिए थी, तो मैंने इकट्ठी काफ़ी सारी बना ली हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इन स्ट्रिप को हमने ज्वाइन करना है, और बेस्ट है कि आप जर्मन ग्लू ही यूज़ करें, कि मैंने भी ग्लू गन यूज़ की थी लेकिन वो पायदार नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती। और वन बाय वन इनको ज्वाइन करते जाएं। मैंने जर्मन ग्लू की कोन बनाई हुई है तो इजीली रहते हैं, इस तरह हाथ भी ख़राब नहीं होते। एक के साथ एक जोड़ते जाएंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें रहती है, ये परेशान नहीं होना कि ये सीधा ही ना रहे, उसकी जो हमने शेप देनी है सर्कल में वो आएगी नहीं, तो ये बिल्कुल आ जाएगी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जो ग्लू गन है वो हम सिल्क थ्रेड या सिल्क या फैब्रिक में यूज़ करें, उसमें उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेस्ट होता है जिसके पेपर वर्क में। जिन बैंगल के लिए हमने बनाना है ना स्टैंड या ऑर्गेनाइज़र, तो उसी हिसाब से हमने फिर वो सर्कल कट करने हैं। बैंगल का साइज़ लेना है उससे थोड़ा सा बड़ा हमने कट कर लेना है। और मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, कोई भी हार्ड शीट या हार्ड कार्ड ही हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और 2 स्मॉल साइज़ के जिधर हमने स्टैंड करवाना है बैंगल्स को उस जगह पे, और जो स्मॉल साइज़ के हमारे सर्कल थे उनको हमने बीच में इस तरह गोलाई में कट कर लेना है। अब जो स्मॉल साइज़ के सर्कल थे इनको हमने पेस्ट कर देना है। इसके लिए भी मैंने जर्मन ग्लू ही वुड ग्लू यूज़ की है। और इनको अच्छे से पेस्ट करना है, ड्राई होने के लिए रख देना है। अब ये स्ट्रिप जो थी ये सारी ज्वाइन हो चुकी हैं और ये ड्राई भी हो चुकी हैं। इनको ड्राई होने के लिए 1.5 आवर तो लगता ही है, लेकिन अगर सनलाइट में हो तो जल्दी भी ड्राई हो जाती हैं। अब जो भी एक्सेसिव हैं तो उसको हमने काट देना है, और
फिर ज्वाइन करेंगे इसको। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो अपने देखें थोड़ा सा इधर से है ज़्यादा, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये मैं कट कर दूँगी। कलर करने के लिए वाइट ऑयल पेंट यूज़ किया है, ताकि जो इस पे राइटिंग के इंक की है तो वो हाइड हो जाए। व्हाइट कलर अगर कर लेंगे तो कोई भी ऊपर कलर करेंगे तो वो कम अमाउंट में यूज़ होगा, नहीं तो फिर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होगा, तो इसलिए आप वाइट कलर पहले कर लिया करें। देन मैंने गोल्ड पेंट यूज़ किया है, ये क्रोम का है और सेंसा ब्रांड है। पहले एक कोट कर लें और उसके ड्राई होने के बाद सेकंड कोट करें। फर्स्ट कोट के बाद अब मैं सेकंड कोट कर रही हूँ, ताकि ये कलर थोड़ा सा विजिबल और डार्क हो जाए, और क्रोम कलर होता है वो ज़्यादा शाइनी होता है। जब दूसरा गोल्ड हम यूज़ करेंगे तो वो कम शाइनी होगा, लेकिन क्रोम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा शाइनी होता है। पहले मेरा था कि मैं क्ले वर्क ऊपर करूं, बट मेरे हैंड इतने ख़राब हो गए थे तो फिर मैंने क्ले वर्क नहीं किया और आर्टिफिशियली फ्लावर यूज़ कर लिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका साइन होता है जब ये मेल्ट होके बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो ये रेडी होती है ग्लू गन यूज़ करने के लिए। थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए रिबन यूज़ किया है, के हाथ मेरे बहुत ख़राब हो गए थे, नहीं तो मैंने क्ले वर्क ही करना था। मैं क्रिएटिव क्रिएट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो उनकी जो लास्ट वीडियो थी बोतल वाली, उसमें जिस तरह उन्होंने किया था मुझे बहुत प्यारा लगा था। मेरा था कि उसी तरह करूँ, बट ये कि टाइम भी और वीडियो कंप्लीट करनी थी और मेरे हैंड का कुछ ना पूछें क्या हाल हो गया है पेंट लग लग के। ये आर्टिफिशियल फ्लावर ही यूज़ कर लिया फिर मैंने।